हेलो एवरीवन, आज मैं आपको अपने एक सब्सक्राइबर से मिलवाने वाला हूँ जो मेरे पास प्रैक्टिस करने के लिए आया हुआ है। तो उसका रिव्यू लेते हैं मेरे वीडियोस के रिगार्डिंग, और वो कहाँ का रहने वाला है और कब से मेरी वीडियोस देख रहा है और उसको क्या बेनिफिट मिला, मेरी वीडियोस से कुछ बेनिफिट मिला या नहीं मिला। तो वेट एंड वॉच। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरी सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते हैं। आज आकाश, ये आकाश यादव है, ये एटा से बिलोंग करता है। मैं इससे पहले एटा से बाहर था तो मेरी वीडियोस पे रेगुलरली कमेंट करता रहता था। जैसे इसको पता लगा मैं एटा में आ चुका हूँ तो ये मुझे मिलने के लिए एटा स्पोर्ट्स स्टेडियम आ गया। मैं इससे अपनी वीडियोस के रिगार्डिंग इससे रिव्यू लूँगा और इससे पूछूंगा कि इसका कुछ फ़ायदा हुआ नहीं हुआ। पहले इसको अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? सर आकाश यादव। तुम मेरी वीडियोज़ कब से देख रहे हो? सर एक साल से। अच्छा, एक साल से। तुम बैटिंग करते हो बॉलिंग करते हो? बैटिंग सर। तो मैं मतलब मेरी वीडियो से क्या फायदा, कुछ फ़ायदा मिला ही मिला? जी सर, मेरा फ्रंट फुट सर काफ़ी मजबूत हुआ सर। और मैंने दो तीन वीडियो स्पेशली जजमेंट के ऊपर बनाई हुई है, वो वीडियो देखी हुई है मेरी? हाँ सर देखी, जजमेंट में मुझे काफ़ी फायदा हुआ। चलो ठीक है, देखो मैं कैमरा फेस करता रहता हूँ इसलिए मेरे लिए कैमरे के सामने बोलना ईजी है। मैं इसने वीडियो में जो बताया मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूँ, इसको पैडअप करवा के पूरा देख लेते हैं कि इसने वाकई में कुछ सीखा नहीं सीखा। बाकी इसके स्किल देख लेता हूँ, जैसे मैं अपनी वीडियोज़ में बैटिंग के स्किल्स को एक्सप्लेन करता हूँ वैसे स्किल इसमें थोड़ा बहुत उसकी एक छवि दिखती नहीं दिखती है। तो लेट्स सी। चलो तो मैंने इसको पैडअप करा दिया है, अब इसको चेक कर लेते हैं इसने कितना सीखा है मेरे वीडियोज़ के थ्रू, और वीडियोज़ के थ्रू भी नहीं सीखा तो इसका जो स्किल लेवल है वो चेक कर लेते हैं। वेट एंड वॉच। वेल प्लेड, शाबाश। गुड शॉट शाबाश। इसका स्किल का लेवल भी देखते हैं, कुछ शॉट खिलवा के। मैंने अभी बॉलर को स्पेशली बोला हुआ है कि फ्रंट फुट पे बॉल खिलाए तो मैं इसका और फ्रंट फुट के शॉट चेक कर लूँ। चलो भाई, ठीक है, शॉट को थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर, बैट को लंबा जाने दे बॉल के पीछे। वेल प्लेड, शाबाश। ठीक है, बैट को ऊपर नीचे शिफ्ट करता रहा। अगर बॉल ज़्यादा बाउंसी है तो बैट को इतना नीचे मत से रख, बॉल बाउंसी तो बैट थोड़ा ऊपर रख यहाँ पे। वेल लेफ्ट, शाबाश। ठीक है, बॉल को पास आने दे, जरा डिफेंस में बॉल के पास मत जा, बॉल को पास आने दे तेरे। गुड शॉट। देख, फिर से बैट थ्रो कर दिया, अभी दो तीन फॉल्ट थ्रो कर रहा है। आप भी अगर ऐसा फॉल्ट कर रहे हो तो देखो, जब भी बॉल बैट्समैन के बॉडी पे आता है ना तो एक डर अंदर बैठ जाता है। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, आपको केयरफुली बॉल को बॉडी पे आने देना है, पास आने देना है बॉडी के, और एकदम बिलो द हेड बॉल को हिट करना है। मेक श्योर यू विल हिट द बॉल ओनली बिलो द हेड जब बॉल आपके बॉडी पे आ रहा हो। चलो भाई, एक दो बॉल इसको जरा पैड लाइन डाल। वेल प्लेड, शाबाश। ऑफ स्टंप के आसपास अच्छा खेल रहा है ये, एक आध बॉल जरा पैड लाइन से आने दे। हाँ, पैड लाइन वही हो रहा है, बैट को थ्रो कर देता है। पैड लाइन पर जब बॉल आ रहा है तो बॉल को बॉडी के पास आने दे, ऐसे ऐसे बैट को आगे मत थ्रो कर दे। हाँ, एकदम बॉडी के पास आने दे बैट को। देख, फिर देख इम्पैक्ट इतना आगे हुआ, फिर से तूने बैट आगे रख दिया यहाँ पे। इससे दिक्कत ये हुई कि कभी भी बॉल को वेल टाइम नहीं कर पाओगे, पूरा कंट्रोल नहीं रहेगा बॉल पर कभी भी। तो इसका स्किल लेवल तो थोड़ा इंप्रेसिव लग रहा है देखने से, मतलब मैंने वीडियो में जैसे अपने एक्सप्लेन करता हूँ उससे काफ़ी मैचिंग इसके स्किल लेवल है। तो आप भी इसका नीचे कमेंट सेक्शन में रिव्यू दीजिए, इसका आपको स्किल लेवल कैसा लगा। डाल जरा पैड लाइन कुछ बॉल और। हाँ, थोड़ा सा पैड लाइन थोड़ा काम करना पड़ेगा अभी ऑन ड्राइव पे स्पेशली। देख, अपना वीडियो खुद देखी हूँ, तू बॉल कितनी जल्दी मार रहा है, जब वीडियो अपलोड हो जाए तो खुद देखना है। ठीक, काफ़ी ठीक है, शाबाश। लास्ट टू बॉल्स। लास्ट बॉल। वेल प्लेड, शाबाश। ओके डन। आ जा मेरे पास, आ जा जरा, चलने दूसरे। देखिए अभी दो दिन काम करने हैं,
तेरा स्किल का लेवल काफ़ी इंप्रेसिव है, मुझे अच्छा लगा देख के। लेकिन एक काम हो करना है, जब जब तेरी बॉल बॉडी पे आ रहा है ना, चले ऐसे देख, ये स्टांस लिया होगा, बॉल लेग स्टंप पे आ रहा है और पैटर्न आ रहा है, वहाँ पे तू क्या कर रहा है, बैट को ऐसे आगे थ्रो कर दे रहा है, ऐसे इंपैक्ट यहाँ हो रहा है। तो जब हम इंपैक्ट हेड से आगे करेंगे ना काफ़ी, तो वहाँ पे क्या होगा, शॉट में कंट्रोल नहीं रहेगा बिल्कुल भी। हम जैसे ऑफ स्टंप पे शॉट यहाँ खेल रहे हैं, इंपैक्ट एकदम हेड के नीचे हो रहा है। सिमिलरली हमें क्या करना है, जब हम पैड लाइन पे खेल रहे हैं, अगर हम यहाँ से ऑन ड्राइव मार रहे हैं या यहाँ से फ्लिक मार रहे हैं, तो दोनों दोनों टाइम पे हमारा इंपैक्ट हमेशा इनसाइड द फ्रंट फुट टो और बिलो द हेड होना चाहिए। ये बात आप लोग भी ध्यान रख लो। देखिए, अगर आप में से कोई मुझे मिलना चाहता है तो आप एटा स्पोर्ट्स स्टेडियम आके मिल सकते हो। ये भी मेरा एक सब्सक्राइबर है जो मुझसे आज मिला है यहाँ पर, और इसका स्किल के लेवल देखे मैं काफ़ी इंप्रेस हुआ हूँ, तो मैं इसको पर्सनल टिप्स भी कुछ से शेयर करूँगा। आपको आज का टॉपिक कितना अच्छा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और स्पेशली आपको आकाश का स्किल लेवल कैसा लगा मुझे इसमें भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। कीप सपोर्टिंग मी, थैंक यू।